बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, दरभंगा DMCH एक बार फिर संकट के दौर से गुजर सकता है। अगर इसके नेतृत्वकर्ता यानी कि अधीक्षक का चयन सही तरीके से नहीं हो पाया तो एक बार फिर दरभंगा इन्हें मिथिलांचल के हजारों मरीजों को ना सिर्फ जान गंवानी पड़ सकती है बल्कि उनकी रक्षा भी नहीं हो पाएगी और इलाज भी संभव नहीं होगा। तो हम बता दें, दरभंगा DMCH के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब उनकी जगह कौन कौन आएंगे इसके नामों की चर्चा जारी है। हम बता दें कि अभी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं या विपक्ष में जो अपने अपने चहेते चेहरे को लाने के लिए अग्रसर हैं। उसमें कई ऐसे हैं जिन्हें अनुभव और प्रशासनिक अनुभव नहीं है। हम बता दें, नियम ये है कम से कम 10 साल प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। लेकिन नाम जो भरकर आ रहे हैं वो हम बताते हैं। एक झलक देख लीजिए, विजेंद्र मिश्रा का नाम आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर मिश्रा का नाम आ रहा है, शीला साहू का नाम आ रहा है, डॉक्टर नंद कुमार का नाम आ रहा है, भी डॉक्टर VS प्रसाद का नाम आ रहा है, डॉक्टर बीना राय का नाम आ रहा है। तो इसी तरह कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा दें, रिटायर्ड होने से पहले DMCH के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा क्या कहते हैं। कोरोना तो चैलेंज था ही, बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बावजूद भी बहुत मिनी सेक्रेटरीट इसको कहिए, बहुत तरह का काम, पेशेंट सबसे पहले, उसके बाद स्टाफ, डॉक्टर्स सब आ गए, डॉक्टर्स में सब आ गए, डॉक्टर्स PG सब स्टाफ में सब आ गए, नर्सिंग स्टाफ से लेके फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड सबों को सामंजस्य बना के चलना, ऑफिस को ठीक से चलाना, किसी से लड़ना नहीं, किसी से डरना भी नहीं, यही पॉलिसी शुरू से हमारा रहा। न लड़ाई करना है, न किसी के दबाव में आना है। और उसके बाद और सारा चीज, यह जो DMCH है इतना पॉपुलर इंस्टीट्यूशन हो गया है, जो सारे लगभग 8-10 जिला के कहीं कुछ होता है लो रिस्क नहीं लेता है और DMCH रेफर करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। जो विभाग हो, पेशेंट कहीं का हो, लगता है कि DMCH भेज देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे और उस सारी जवाबदेही एज ए सुपरिटेंडेंट को लेना पड़ता है। जैसे पेशेंट आया, मारपीट का हुआ, गंभीर बीमारी हुआ, कैदी हुआ, उसके बाद कोर्ट का इंजुरी हुआ, दोषी कोई लिखने वाले डिले करते हैं लेकिन जवाब सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है। और जो सुपरिटेंडेंट सजग नहीं रहेंगे, समय नहीं देंगे, समय तो देना पड़ेगा, समय दीजिएगा तो लोग देखेगा जो सुपरिटेंडेंट खुद बैठे हुए हैं 10 से 5 तक, तो अपने आप कुछ न कुछ। दरभंगा DMCH में जो भी अधीक्षक होगा उसके सिर पर कांटों का ताज होगा। हम बता दें, एक तरफ जहां कांटों का ताज होगा वहीं मखमली बिस्तर भी होगी। कांटों का ताज हम इसलिए कहना चाहते हैं कि कई समस्या है दरभंगा DMCH में। ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, दूसरी लहर से उबरने के बाद तीसरी लहर की तैयारी करनी है। दरभंगा DMCH में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उन्हें सही इलाज करना है। ऑपरेशन जो कई विभागों में नहीं हो पा रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन पर एक ऑपरेशन हो रहा है, उसका सही टाइम करना है। दवा की व्यवस्था करनी है, जितने उपकरण हैं उसको रखरखाव करना है। कर्मचारियों की जो कार्य है उस पर निगरानी रखनी है। इसके अलावा एक चैलेंज होता है जिसे दरभंगा DMCH अधीक्षक को देखना पड़ेगा। बाद सुविधा सबको हो जाए, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड को भी सुविधा हो जाए, नर्स को भी सुविधा हो जाए, रहने का आवास, वार्ड में पानी, बाथरूम नहीं भी नाइट ड्यूटी करने के लिए रूम, ये सब अगर मिल जाए तब आदमी प्रेशर बना सकता है जो आप क्यों नहीं अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब है। बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुका है, जो है इधर चूता है उधर चूता है, ये सब हो जाएगा। लग रहा है DMCH से हम बराबर बात करते हैं, हो रहा है जो तुरंत उसका फाइनलाइज हो जाएगा टेंडर और तब रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। कमी नहीं आवा ना, हाँ, दवा का कोई कमी नहीं है और सुरक्षा का भी हर जगह सुरक्षा, मतलब जो सिविल हम लोग रखे हुए हैं, सिविलियन अपना काम करते हैं, कोई आर्म फोर्स हम लोग रखे नहीं हुए हैं,
जो है जो हम भीड़ भाड़ हटाना ये सब के लिए है, और साफ सफाई इंटरनल साफ सफाई में हमारा कहीं कोई बराबर हम वीडियो लेते रहते हैं, अपडेट होते हैं, और बाहर तो देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है, ओपन है, गड्ढा है, पानी है, कादो है, जंगल है, तो उसमें भी अगल बगल में बराबर बीच बीच में। दरभंगा DMCH के अधीक्षक का मखमली बिस्तर इसलिए हम कहते हैं कि कई क्षेत्र हैं जहां से अच्छी खासी आमदनी DMCH अधीक्षक को आती है, और वो है आप जान सकते हैं सुरक्षा की एजेंसी है, सफाई एजेंसी है, यही नहीं इसके अलावा कई ऐसे एजेंसी है जैसे ट्रॉली बैंक का हो, सफाई का हो, फिर जो वॉश का वॉशिंग पीट का हो, कई ऐसे एजेंसी हैं जिससे अच्छी तरह से आमदनी भी आती है, ये बात सभी जानते हैं, कई एजेंसी देते हैं। लेकिन DMCH के अधीक्षक के रूप में डॉक्टर RR प्रसाद ने DMCH को कई जगह जो राशि आती है, चाहे रोटरी क्लब के सहयोग से या फिर आंतरिक स्रोत सहयोग से, उसको DMCH में लगाया, जो कि दिखने को मिला है। चाहे आप DMCH की इमरजेंसी के सामने देख रहे हैं जिसमें अभी जांच हो रहा है, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, दूसरा पैथोलॉजी के सामने अगर बैठक का हो वहाँ हो, कई ऐसे कार्य किया गया। यही नहीं जो DMCH के पूर्व अधीक्षक थे डॉक्टर RR प्रसाद, उन्होंने इमरजेंसी के अंदर शौचालय का भी निर्माण कराया, जो वहाँ पे एक्सरे हैं उसको ऊंचा करते हुए वहाँ एक्सरे यूनिट की स्थापना की, कई काम किए। लेकिन डॉक्टर मणिभूषण शर्मा से भी जब ये पूछा जा रहा है कि आपने भी क्या किया, तो देखिए क्या क्या कहते हैं। मीन इसमें हमारे पहले ही सब पेपर का काम हो गया था, हमारे समय में तो ही सुनना है कि मिट्टी फिलिंग का कुछ आया है, पैसा वैसा मिट्टी फिलिंग हो रहा है, और अभी शिलान्यास ही सब का तो कहीं कोई चर्चा नहीं है उसका। मिट्टी फिलिंग उधर जो कौन है वो ब्लॉक में जो पड़ता है उधर रेलवे लाइन सब के पास शायद आ गया है शायद मिट्टी फिलिंग का पैसा, जैसा हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं जो, तो वो किसके थ्रू आता है? क्रायोजेनिक में हमने लगभग लाइसेंस के लिए दे दिया, पैसा भी लाइसेंस के लिए, कल भी 5 घंटा हम SBI ब्रांच में बैठ के मैनेजर के सामने एक्सरसाइज किए, एक आध बार नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है हम लोग के लिए नई चीज है, लॉक हो गया था, आज फिर जा रहे हैं 1:30 बजे, बैंक बंद है, फिर भी बैंक मैनेजर को हम कहें 1:30 बजे आइए और लॉग इन जो है उसको आज उसको पेमेंट कर दीजिए लाइसेंस के लिए, लाइसेंस हो जाएगा उसके बाद अपना शुरू हो जाएगा, पाइपलाइन का काम चल रहा है, PSA में इंस्टॉलेशन हो रहा है, लगता है जो फर्स्ट वीक में लगभग हमको लगता है जो। तो आपने देखा दरभंगा DMCH, हम कह अभी भी कह रहे हैं दरभंगा DMCH अधीक्षक क्या वरीयता के तरफ से आएगा या फिर किसी नेता के द्वारा थोपा जाएगा, इसलिए हम कहना चाहें कई ऐसे हैं जिन्हें अनुभव की कमी है, और DMCH बहुत बड़ा क्षेत्र है, आने वाले समय में एम्स की भी तैयारी करनी है, तो क्या DMCH के अधीक्षक किस तरह के चेहरे होंगे, क्या उनको अनुभव होगा, क्या वो DMCH को चला पाएंगे, तो ये सवाल अब चर्चा का विषय पूरे शहर में हो रहा है, पूरे जिले में हो रहा है कि इस अधीक्षक के रिटायर्ड होने के बाद कौन सा अधीक्षक उपयुक्त होगा। आप भी नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा, अगर वरीयता के क्रम में चुनाव नहीं होता अधीक्षक का, तो सवाल सरकार पर भी उठेंगे कि आखिर वैसे लोगों को किस तरह अधीक्षक बना दिया जिन्हें 10 साल का प्रशासनिक ना अनुभव है ना कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि हमारी भी भावना हजारों मरीज के साथ जुड़ी हुई है। वैसे बिहार में था, इस पर हर अपडेट खबर YouTube में सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।